हेलो दोस्तों, फिर से आपके पास स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि दोस्तों, आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि भाई हमें हॉरर से रिलेटेड वीडियो बना के दीजिए, यानी कैसे लगाते हैं, क्या होता है, कैसे यूनिट होता है, वो हमें सब बता दीजिए। साथ के साथ मैं इसमें क्या तरीका होता है कैसे बांधने का, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये मेरे पास ट्रैम्पर्ड रखे हुए हैं और सारा वायर भी रखी हुई है मैंने, और कैसे लगाते हैं वो भी, और कुछ मैं अपनी तरफ से टिप्स भी दे दूंगा इसकी सेफ्टी के लिए। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा, और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। 1 लाख के बहुत ज़्यादा नज़दीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी ये हॉरर लेने जाते हैं, यानी मैं आपको दिखा दूं, आप इसको नॉर्मल भाषा या फिर जो हमारी देसी भाषा होती है उसमें आप इसको कहते हैं बाल्टी आप इसे कहते हैं, और भोपू भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो आप लेते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का ये देखने को मिलता है, यानी ये जो स्टैंड आता है, ये जो होल्डर आता है, ये इसके साथ ही लगा हुआ आता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसको निकाल दो। इसको निकालने से एक फ़ायदा ये रहेगा कि ये एक अच्छी तरीके से बंध जाएगा, यानी जब आप खंभे पे लगा रहे होंगे तो ये अच्छी तरीके से बंध जाएगा। और अगर आप इन्हें इकट्ठे रखते हैं, यानी आप वहाँ देख सकते हैं मैं सारे इकट्ठे रखता हूँ, तो ऐसे रखने में आपको आसानी होगी। एक के बाद एक, एक के बाद ये एक आराम से रखे जाएंगे, तो ये बीच में अड़ेगा नहीं। इसको हटाने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम ये देखिए, मैं 1, 2 और ये 3 मीटर की रस्सी मैंने यूज़ करी है। 3 मीटर की रस्सी के बाद मैं सजेस्ट करूँगा बाहर से आप यहाँ से रस्सी डालिए अंदर की साइड, और ये यहाँ पे देखिए गांठ बांध दीजिए। ये देखिए मैंने 2-3 गांठ बांधी है, क्योंकि इसकी सेफ्टी जरूर होनी चाहिए। जो अगर नीचे खड़ा होगा, अगर ये गांठ खुली तो उसके सर पर जाके लगेगा, तो वो बहुत नुकसान देगा, यानी चोट वोट का डर लग सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है इसके कारण। तो ये इतनी मजबूत बांधी है कि ये कहीं निकले ना, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। तो इतनी मजबूत आपको ये बांधनी है कि गांठ बिल्कुल भी ना खुले, 1% भी ना खुले। बांधने के बाद आप इसे ज़रूर से ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं अपने हम ट्रैम्पर्ड, सॉरी ये बाल्टी। ये बाल्टी के साथ आप इसको कैसे लगाएं, तो दोस्तों आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं इनमें ये होल्स होते हैं। ये देखिए ये होल्स होते हैं, ये वाले नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो नीचे है, और इसके अंदर भी ये होल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये होल है। तो ऐसे ये 3 होते हैं। 3 के साथ आपको क्या करना है कि ये इनको मैच टू मैच करना है, यानी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे लग जाएगा और ये होल टू होल मैच हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इनके साथ भी कुछ पेच आते हैं, यानी नट बोल्ट आते हैं। मैं सजेशन दूंगा वो मतलब इतनी टाइटली फिट नहीं होते हैं, आपको मार्केट में यानी हार्डवेयर की जो शॉप होती है उन पे आपको इस टाइप की मिल जाती हैं। ये एक मतलब एक इतनी होती है, ये आधी उंगली मान के चलिए आप ले सकते हैं, आपकी साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। एक पीस यानी जो इसके एक का प्राइस होता है वो लगभग 3 रुपये या 2 रुपये के करीब होता है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो वो आपको परचेज़ करिए। 11 नंबर की इसके अंदर चाबी लगती है, यानी इस टाइप की ये चाबी लगती है 11 नंबर की, तो इसको भी आप परचेज़ कर लीजिए साथ के साथ, ठीक है। प्लास भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास प्लास है तो वो भी आप यूज़ करिए। ये यहाँ से आपको खोल के और इन 3 में आपको लगा देना है, और टाइटली यानी बिल्कुल जो टाइट फिट होता है उसको करना है। मैं सजेशन दूंगा अगर आप 1-2 दिन का काम है इनका, यानी 1-2 दिन ये लगातार लगे हुए हैं, तो आप इन्हें मतलब टाइट करिए, इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करिए कि खोलने में दिक्कत हो। अब जैसे रामलीला भागवत और कम से कम जो 10 से 15 दिन का जिनका काम होता है, यानी बिल्कुल हाईली वर्क होता है, मतलब समझ लीजिए कि इनको लगा के रखना है 10 से 15 दिन, तो मैं सजेशन दूंगा इनको काफ़ी अच्छे से टाइट करिएगा, क्योंकि ये कई बार लूज़ हो जाते हैं। जब मैं इन्हें बांधूंगा ना, तो एक जगह से जब प्रेशर पड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली जो बोल्ट्स होते हैं ये लूज़ हो जाते हैं, और जब ये चलता है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन भी आती है, यानी जो हमारे यूनिट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये जो यूनिट होता है ये काफ़ी वाइब्रेट करता है क्योंकि इसमें हाई और मिड ज़्यादा होती है, तो इसलिए ट्रम्पेट वाइब्रेट करता है तो उसके कारण ये खुल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि बार सर आपको ये लगा के रखना है। ये देखिए ये बार सर हो गया, बोल्ट अच्छी क्वालिटी का लीजिए और ये आपको टाइटली फिट करना है। तो मैं इसको टाइट फिट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैंने इसको टाइट फिट कर लिया है, यानी बोल्ट के साथ ये तीनों बोल्ट्स मैंने लगा दिए हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसे आपको यहाँ से ऐसे हिलाना है ताकि ये पता लग जाए और थोड़ा सा लचकना चाहिए नीचे वाला हिस्सा। मैं आपको और क्लियर दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से पता लगे। ये देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गया है, इस पर थोड़ा सा आपको प्रेशर डालना है ताकि ये पता लग जाए बिल्कुल टाइट है। तो ये बिल्कुल अब टाइट हो गया है। तो दोस्तों अब आती है यहाँ पे दूसरी टिप क्या है कि दोस्तों आपको ये देखना है कि आपका यूनिट ठीक है। लगाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि हमारी यूनिट ठीक है। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं तो काफ़ी परेशानी हो जाती है इनको चेंज करना। जब भी खंबे पे यानी पोल्स पे जहाँ भी बनते हैं तो इन्हें वापस खोल के लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का को ध्यान रखना है कि लगाते समय यानी जब लगाते हैं उससे पहले आप इन्हें एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं सजेशन दूंगा आप एम्पलीफायर से ही चेक करिएगा, जिससे आप चलाते हैं 12 वोल्ट या 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है उनसे मत करिएगा। उससे भी चलता है, जब ये शॉर्ट होता है तब भी ये आवाज़ देता है, लेकिन जब ये एम्पलीफायर के पावर पर आता है तब ये आवाज़ नहीं देता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसे जो एम्पलीफायर होता है आप जो भी यूज़ करते हैं हल्की सी आवाज़ करके इन्हें टेस्ट कर लीजिए करिएगा। और सजेशन दूंगा मैं आपको एक चीज़ और, जो इनके टर्मिनल्स यानी जो इनकी वायर होती है उनमें आपको ये सेफ्टी पिन मिल जाती है आपको बाज़ार में आसानी से 5 से 10 रुपए के बीच में, काफ़ी सारी आ जाती हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइप की आ जाती है। तो इनको आपको लगा के रखना है और इनका भी मैं यूज़ बताता हूँ कैसे होता है, कैसे आप इजीली इनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इजीली आपको सेफ्टी करके रखना है, यानी एक हाथ यहाँ पे आपको रखना है जो इनकी ये चोच होती है यहाँ पे ऐसे रख के, और एक हाथ ऊपर के साइड रखना है और इनको आप आराम से कसिए। चूड़ी देखिएगा कि गलत ना लगे, इससे ख़राब हो जाएगा ये आपका यूनिट भी और यहाँ पे आपका हॉर्न भी। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे और आप गिन के लेके जाते हैं जितने आपको यूज़ करने होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये टाइट करने के बाद मैं आपको टाइट करके दिखा देता हूँ और इसे भी आप एक बार ही कन्फर्म कर लीजिएगा ये टाइट है। तो ये ठीक है, टाइट हो गया। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आता है हम कैसे इसको बांधे, यानी हम इसको सेफली कैसे बांधे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको एक बार ही बांध के दिखा देता हूँ। ये मेरा लाइट का ट्राइपॉड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट होता है यानी जहाँ से रस्सी निकलनी होती है इसको अंदर की साइड रखना है आपको और ये यहाँ पे आपको बांध देना है, सही से टाइट फिट करके देना है। अगर आप दो लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा अगर लूज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे के साथ इसे टाइट कर सकते हैं। यानी जब दूसरा वाला बांध रहे हो तो आप इसे अच्छे से टाइट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बांध के भी सही से, और मैं सजेशन दूंगा आप इन्हें ऐसा ना रखें ताकि जब बारिश होती है तो पानी अंदर जाता है और यूनिट ख़राब हो जाता है। यूनिट शॉर्ट हुआ तो आपकी जो पूरी लाइन होती है जितने भी आपने अभी लगा रखे हैं तो वो भी शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हल्का सा नीचे से तिरछा रखिए इन्हें और ऊपर जाने ना दीजिए। तो ये लीजिए, ये बन चुका है अच्छे से, यानी ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड है, हो सकता है कहीं टूटना नहीं टूटेगा, और ऐसे आपको बांध के रखना है ये, और काफ़ी ईजिली आप इसे बांध भी सकते हैं और आसानी होता है अगर आप इस तरीके से अगर आप बांधेंगे। अब आती है यहाँ पे कि यूनिट को ख़राब होने से कैसे बचाएं हम, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए और अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आती है यानी वायरिंग हम कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों जो आप ये काफ़ी सारे ओनर होते हैं तो आप इन्हें सिंगल लेंथ यानी 90 मीटर की जो होती है वो पूरी एक बिछा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ऐसे पकड़ना है, यानी ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए इतनी सी, ये देखिए, और ये यहाँ पे आप बांध दीजिए इसको। कहीं पे आप इन्हें सपोर्ट दे के बांधें ताकि अगर ये दोनों साइड से भी खींचे जब आप इन्हें अच्छे से टाइट करते हैं तो ये वाली जो पोर्शन होता है यानी जो इससे कनेक्ट होगा वो कहीं खींचे ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है
कि ऐसी जगह पे आप बांध दीजिए कि अगर आप इनसे कनेक्शन कर रहे हैं यानी यूनिट से, तो ये वाली जो चीज़ होती है जो जहाँ पे कनेक्शन हो रही है तो वो चीज़ खींचे ना। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको खींचूँगा तो ये नहीं होगा। और आपको भी ये ध्यान देना है कि अगर आप जो लेंथ बिछा रहे हैं आगे के लिए वो ज़्यादा टाइट ना हो, तो बीच में से तार ब्रेक हो जाएगी अगर आपने ज़्यादा टाइट यानी ज़्यादा जोर से खींच लिया तो। और ये जो मैंने आपको बताया सेफ्टी पिन, अब इन सेफ्टी पिन का क्या काम है, ये देखिए ये यहाँ से मैंने इनको खोल दिया, तो इनसे ये चीज़ आपको एक मतलब सहायता मिलेगी कि आपका जो वायर होगी यानी कटिंग से बच जाएगा और आप सेफली इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक वाला लगाए हैं तो यहाँ पे ये ब्लैक वाले पे लगा दीजिए, ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ, और ये अंदर अपने आप ही तार से टच हो जाएगा, ये देखिए ऐसे ये हो गया। अब आपको कट लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है बीच में, तो इस चीज़ से आप बच जाएंगे कि कट नहीं लगा सकते हैं आप। एक ये आपको फ़ायदा मिलेगा इन सेफ्टी पिन से। और जस्ट आपने ये जो ब्लैक वाला लगाया है तकरीबन एक बित्ता यानी आप मान के चलिए इतनी दूरी आपको लगानी है, यानी ये वाली ब्लैक वाली ये हो गई, इतनी दूरी पर आपको आपकी जो भी रेड वाली हो वो लगा दीजिए। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये देखिए, तो ये किस्सा ख़त्म, कहानी ख़त्म। और अगर आपने और सेफ्टी लगानी है यानी और सेफ्टी देनी है इनको, तो मैं सजेशन दूंगा आप इनके ऊपर यानी आप ऐसे एक किलो की दो किलो की जो भी आपके इस पे यूनिट पे जो भी आपको ईजिली फिट हो वो वाली आप पन्नी लेके अच्छे से बांध दीजिए ताकि ये पीछे से भी वाटरप्रूफ हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैं आपको एक बार बांध के भी दिखा देता हूँ और कैसे लगेगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपको टाइट करके रखना है और ये यहाँ पे मैंने बांध दिया, ये देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब मैं इसके ऊपर पानी भी डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको भी डाल के दिखा देता हूँ। ये है हमारी बोतल और ये मैंने पानी डाला, तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये देखिए यूनिट पे कोई पानी नहीं जाएगा, तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ऐसे चलाते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी। शायद ही आपने ऐसी वीडियो YouTube पे देखी होगी, यानी ये इस टाइप की वीडियो फर्स्ट टाइम थी YouTube पे, तो ये इतनी मेहनत करने के लिए मुझे कुछ तो मिलना चाहिए आपकी तरफ से, यानी एक लाइक, एक शेयर और इस चैनल का एक सब्सक्राइब, यानी आपका एक सब्सक्राइब का बटन मुझे मिलना चाहिए। तो ज़ोर से नीचे कमेंट में बताना आपकी अगर कोई राय हो, यानी आपको अगर थोड़ा सा और बेहतरीन पता हो इसके बारे में तो वो भी आप नीचे कमेंट में शेयर करेगा। उससे क्या होगा कि और भी लोग जानेंगे उस बात को और थोड़ा सा आपका भी सहायता होगा इस सब चीज़ों के लिए। और मेरे चैनल या मेरे लिए कोई भी राय हो यानी कोई भी आपकी सजेशन हो तो वो भी आप बताया करिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, इस चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।